मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल YR एपिक्स क्लासेज मऊ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, तैयार हो जाइए। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, यही ना। उसमें आगे हम लोग यह भी पढ़े थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आज भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं पढ़ना है, आज प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कुछ एडवांस सीखना है, ठीक ना। एडवांस में क्या सीखना है और जो आज सीखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, ठीक ना। इसमें सीखना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो आपकी होती है एक से लेकर के कहां तक होती है, अनंत तक। कहां तक होती है, अनंत तक होती है। अगर प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक हो रही है, उसमें से अगर हम आपको कह दें कि एक से लेकर के 50 तक की संख्या पकड़ लीजिए, इसमें कितना लिखा है, 7 तक लिखा है ना। अगर हम आपसे कह दें कि 1 से 50 तक की संख्या ले लीजिए, तो 1 से 50 तक की संख्या आप लिखेंगे, 50 तक संख्या लिखेंगे। अगर हम कह दिए सम संख्या ले लीजिए 50 तक, तो सम संख्या आप लिखेंगे। तो सम संख्या जब आप लिखेंगे तो इसमें डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 50 तक लिखेंगे। अगर हमें कहें विषम संख्या लिखिए 50 तक, तो विषम संख्या आप 50 तक लिखेंगे तो कहां तक लिखेंगे, 49 तक। कहां तक लिखेंगे, 49 तक ही लिखेंगे ना, क्योंकि अगर 50 लिखेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी ना। और अगर 51 लिखते हैं 51, तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आपसे एक कह दिए कि ये जो प्राकृतिक संख्या है एक से लेकर के 50 तक, इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल है। इसी प्राकृतिक संख्या में आपका सम संख्या भी है और इसी प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या भी है कि नहीं है। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाती है ना। अब सम संख्या किसे कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, वह संख्या जो दो से डिविजिबल हो, दो से पूरा का पूरा कट जाए। और विषम संख्या जो दो से न कटे, किसी और से नहीं, सिर्फ दो से चेक करना है। अगर दो से नहीं कट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक ना। अब आपका टॉपिक ये है कि अगर आपसे कोई कह दिया कि एक से लेकर के 50 तक की जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। यानी कि ऐसे कह दिए अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4, अगर ऐसा आपको दे दिया जाए प्लस डॉट डॉट, ऐसे जोड़ना है 1 से 50 तक, तब तो जोड़ने में समय लगेगा। इतना जल्दी जोड़ लेंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे ना, समय लगेगा। इसको कम समय में कैसे जोड़ेंगे, तो यहां आपको एक फार्मूला दिख रहा है, n × n + 1/2। दिख रहा है, ये फार्मूला किसका है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। ये फार्मूला किसका है, प्राकृतिक संख्याओं के योग का है। तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं, अनंत तक, 100 तक, 50 तक, कितनी, तो n तक। यन का मतलब अंतिम संख्या, यन का मतलब क्या है, अंतिम संख्या। अगर हम कहें 50 तक, तो 50 अंतिम संख्या ना हुआ। अगर हमें कहें 20 तक, तो 20 अंतिम संख्या ही हुआ। इसका मतलब यन क्या है, अंतिम संख्या है आपका, ठीक ना। तो अब आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो यहां 50 तक का मतलब कि यन का मान कितना हो गया, 50। यन बराबर 50, 50 ना होगा। अब इसको निकालना है तो ये फार्मूला पकड़ लीजिए, इसी फार्मूला में रख दीजिए। इस फार्मूला में क्या है, सबसे पहले यन है ना, तो यन का मतलब कितना लिखेंगे, 50 गुणे
एन प्लस वन यानी कि 50 में एक जोड़ दीजिए और पूरे का आधा कर दीजिए, ठीक है। 50 इंटू 50 प्लस वन बटे दो इस फार्मूला से। अब इससे इसको काट दीजिए, दो एक कम दो और दो पच्चीस संयम 50 होगा। तो यहाँ क्या मिल गया, 25 गुणे 50 और एक 51 होगा। अब 51 में 25 का गुणा कर दीजिए तो 25 एक कम 25 कैरी कितना मिला, दो मिला ना। 25 पच्चीस संयम 125, 25 संयम कितना होगा 125 और हासिल दो 127। तो 127 कितना हो रहा है 175 गुणा करके चेक कर लीजिए। 25 एक कम 25 हासिल दो मिल गया। 25 संयम कितना होता है 125। 125 में दो जोड़ेंगे, अच्छा 125 बोले हैं ना, तो 125 127 ना 127 तो एक कितना हो गया 1275। हम भी कहेंगे आंसर इतना कम क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। 25 से कम 25 हासिल दो, 25 सही हम 125 और दो 127 कुल कितना हो गया 1275। तो ये फार्मूला आसान है या किसको ऐसे जोड़ना आसान है, फार्मूला आसान है ना। अगर हम आपको एक कह दिए कि नहीं 50 तक नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ 20 तक ही जोड़ना है, एक से लेकर के 20 तक जोड़ना है, तो एक से लेकर के 20 तक जोड़ना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 20 तक जोड़ना है ना। इसका मतलब कि n का मान कितना हुआ, n बराबर 20 हो गया ना। अब फार्मूला हमारा क्या होता है, n इंटू n प्लस वन बटा दो, इसी फार्मूला में मान रख दीजिए। तो n का मान कितना रखेंगे 20 गुणे 20 और प्लस 1 बटा 2, इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 दहा में 20, 10 गुणे 20 एक 21 हो गया। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 21 है ये, एक जीरो बढ़ा दीजिए 210 आंसर हुआ। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से यह फार्मूला या ये जो एग्जांपल बताए हैं इसको नोट कर लीजिए, इरेज करके अगला स्टेप बताएं, उतना नोट कर लीजिए, नोट उसको इरेज करना पड़ेगा ना। चलिए आगे देखिए, इसमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर प्राकृतिक संख्या है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब आपका दूसरा पॉइंट है n इंटू एन प्लस वन, ठीक, और तीसरा फार्मूला है n स्क्वायर। पहला फार्मूला तो आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक इसका फार्मूला है तो सम संख्याओं का, किसका है, सम संख्याओं का। अगर सम संख्याओं को जोड़ना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए वाला फार्मूला। कैसे लगाना है देखिए, यहाँ सम संख्या दिया है ना, अगर का दिया दो से लेकर के 50 तक, कहाँ तक 50 तक, दो से लेकर के 50 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इसको अगर जोड़ना है, ऐसे अगर जोड़ना है दो से 50 तक तो कैसे जोड़ेंगे, अगर ऐसे जोड़ेंगे तब तो समय लगेगा, समय बचाने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में कैसे है, ये जो अंतिम संख्या होती है ना यही एन होती है, क्या होती है, एन होती है। अंतिम संख्या को ही हम एन मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाए एन बराबर कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, 25। तो 50 तक है ना, 50 संख्या नहीं होगी, थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा। ये दो से 50 तक हम संख्या लिखे हैं ना, 25 होगी, आधा होगा ना। तो उसमें से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तो निकाल दिया गया है ना, तो संख्या कम ही ना होगी, खाली जो दो से कटेगा वही ना जोड़ना है।
तो यहाँ आप यन बराबर 50 नहीं लिखेंगे, सीधे उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो जब आधा कर देंगे तो यन का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक ना। इसको छोड़ दीजिए। तो जब यन बराबर 25 हो गया तो अब यही मान इसमें रख दीजिए। अब इस फार्मूला में रखेंगे तो क्या होगा? 25 गुणे कितना है? 25 है ना, 25 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ 25 गुणे 25 एक कितना होगा? 26। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक ना। अब 25 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? गुणा करके बताइए, फट से गुणा करिए, कितना हो रहा है? 25 का 26 में गुणा करिए तो कितना हुआ? 650। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अगर 2 से 50 तक कर रहा है तो भूल से यहाँ 50 मत रख देना, ठीक ना। यही सावधानी बरतनी है आपको, सीधे इसका आधा, क्योंकि उसमें से आधी संख्या तो जो विषम संख्या छांट करके निकाल दिए तो संख्या कम ही ना होगा। तो ये 50 तक नहीं देखना, कितनी बार संख्या जोड़े हैं, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ऐसे कितनी बार होगा? 25 बार होगा। 50 तक लिखेंगे तो उसमें सम संख्या क्या होगा? 25 ना होगा। तो यहाँ यन का मान 25 हो जाएगा, ठीक ना। ये फार्मूला हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 से लेकर के 20 तक, 2 से 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ तक कह रहा है? 20 तक कह रहा है। तो 20 तक कह रहा है तो यन बराबर कितना होगा? 10 होगा। बस फार्मूला लगा दीजिए, 10 गुणे 10 प्लस 1, ये फार्मूला लगाना है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 एक 11, 110। आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो आपका सम संख्या का रहा, अब है आपका विषम संख्या का योगफल निकालना। अगर कह दिया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर फार्मूला है, अगर कह दिया 1 से लेकर के 50 तक, कहां तक? 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालिए, सॉरी संख्याओं का योगफल निकालिए, 1 से लेकर के 50 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का आपको योगफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ बताइए कि संख्याएं कितनी हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे ना। तो हम यन का मान कितना रखेंगे? 25 रखेंगे। तो यन बराबर 25 हो जाएगा। अब यन का स्क्वायर फार्मूला है तो आप सीधे यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होगा? ट्रिक बताए थे ना, 5 का इसमें स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचे 25 और द्वितीयाई के 6। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना नोट करिए, थोड़ा सा और एग्जांपल बताएं, नोट करिए। इतना एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर कह दिया है आपसे 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो 1 से 20 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगा ना। तो जब 10 संख्याएं होंगे तो यन बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब योगफल निकालना है तो सीधे यहाँ पे योगफल दिया है एन स्क्वायर दिया है ना, सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कोई समय लग रहा है? एकदम आसान सवाल है, क्लियर है। तो अगर कुछ आकी बाकी है इसमें, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज बताएंगे आप लोगों को, नोट करिए।